तो पावर बीआई में हम आज आपके साथ बात कर रहे हैं फॉर्मूला समराइजेशन बारे में। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है डेटा, अब मैं इसका एक न्यू टेबल पे क्लिक करता हूं। न्यू टेबल पे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पीआरजी के नाम से नया टेबल बनाता हूँ, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे एक फॉर्मूला हमने बात की थी ऑल का, तो ऑल फॉर्मूला क्या करता है, जनरली हम सीट को लिंक कर देते हैं, लेकिन ऑल फॉर्मूला में हमारे पास एक और प्रॉब्लम होती है। जैसे यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ले लिया, राइट, तो प्रोडक्ट लेके जैसे मैं एक कॉलम लेता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे ओरिजिनल डेटा में आप देखेंगे कि प्रोडक्ट कई बार है, बट इसके अंदर प्रोडक्ट सिर्फ वन बार आएगा। तो इस तरह से एक यूनिक हेड काउंट बनाता है, क्या बनाता है, यूनिक हेड काउंट, ठीक है। समझे, तो दिक्कत इसमें इसमें मतलब बाय डिफॉल्ट ही हो जाता है ना, तो कंडीशन लगाने में भी क्लिक करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट हो जाता है, आपको बस ऑल का फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे देख, दोबारा ओके, देख, ऑल का फॉर्मूला, हाँ दोबारा देखिए, मैंने मैंने ओके कैसे, समझ गया आया। ओके, और हमने फिल्टर फॉर्मूला लास्ट क्लास में समझाया था। अब क्या है कि हमने बताया था, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास डेटा है, डेटा है प्रोडक्ट, मुझे मान लीजिए एक्सेल का टोटल चाहिए, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि न्यू मेजर के अंदर में, यहाँ पे न्यू मेजर्स के इस सीट पे क्लिक करना होगा। न्यू मेजर्स के अंदर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि एक्सेल का निकालना है, तो हम जनरली कैलकुलेट का फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। कैलकुलेट में सम चाहिए तो हमने सम ले लिया, और इस सम के अंदर हमने बोला किसका सम चाहिए, तो हमने बोला क्वांटिटी का। कंडीशन क्या चाहिए, तो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्सेल, ठीक है। ये समझाया था, याद होगा आपको। लेकिन अगर मान लीजिए कि अभी जो प्यार इसमें इसमें हमने यहां पर रख दिया उठा के, राइट, बट प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ मेजर्स में काम करेगा, टेबल्स में काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे टेबल्स, यहाँ पे टेबल्स मेरे पास है, अब मुझे इसके सामने से टोटल क्वांटिटी चाहिए। मतलब कि क्या है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि टेबल बनाते हैं, और टेबल बनाने के बाद इस तरह का हम डेटा लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट वाइज मुझे क्वांटिटी चाहिए, क्या आ गया, राइट। लेकिन मुझे सेम चीज एक अलग टेबल भी चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि मैं इसके अंदर कुछ और कैलकुलेशन कर सकूं, क्योंकि यहां पे तो लिमिटेड कैलकुलेशन है ना सर। तो यहां मुझे एक अलग टेबल मिल जाए, तो कैसे करें इसके लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे एक न्यू कॉलम ऐड करेंगे। अब इसमें कैलकुलेट का फंक्शन वर्क नहीं करेगा, जैसे यहां पे क्वांटिटी में लिख दिया, और यहां पे मैं करता हूं कैलकुलेट, कैलकुलेट आया, सम आया, सम आया, सम में मान लीजिए मैं क्वांटिटी का टोटल लिखा, ले लिया, और फिल्टर में हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट इक्वल टू, अब यहां पे एक और प्रोडक्ट है, तो ये देखिए ये हमारा पीआरजी सीट आएगा ही नहीं, आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेट फंक्शन सिर्फ सिंगल रिजल्ट देगा और सिंगल इनपुट लेगा, मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल इनपुट्स लेके मल्टीपल रिजल्ट नहीं देगा, क्या करें। तो इसके लिए हमारे पास एक सम एक्स का फॉर्मूला था, क्या था, सम एक्स। तो सम एक्स क्या करता है, सम एक्स पूरी की पूरी शीट लेता है, जैसे हमने शीट वन दे दिया, उसमें किसका चाहिए, तो हमने बोला क्वांटिटी का टोटल चाहिए, तो यहां पे आया। बट ये अभी यहां पे जो है एक्सेल का, वीवीए का नहीं दिया, इसमें ओवरऑल दे दिया, क्योंकि इसमें कंडीशन तो लगाया नहीं, हमने डेटा तो पूरा दे दिया ना। तो यहां पे हम फिल्टर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फिल्टर फॉर्मूले में हम बोलेंगे कि सीट वन में जाओ,
और सीट वन का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू होना चाहिए पी आर जी का प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट पी आर जी का। तो अब सम एक्स को फिल्टर द्वारा फिल्टर डेटा मिलेगा एक्सेल का, वीवीए का, एक्सिस का, अलग अलग। और ये सम एक्सेल में सम इफ होता है ना, तो एक्सेल में सम इफ की तरह आपको यहाँ पे रिजल्ट दे दे। समझ गया सर? नो क्लियर है इसमें कोई दिक्कत? नो हाँ बस सुनना है ना। इसी तरह से हम बाकी भी करेंगे। अब इसको मैं यहां से कॉपी करते हैं, बाकी मैं एक दोबारा लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे न्यू कॉलम। अब मुझे एमआरपी का एवरेज चाहिए, ठीक है, एवरेज एमआरपी। तो जैसे हमारा सम एक्स था, वैसे क्या है, एवरेज एक्स होता है। क्या होता है? एवरेज एक्स। एवरेज एक्स लिया, इसमें भी सेम फिल्टर फॉर्मूला लगाएंगे। फिल्टर फॉर्मूले में हम क्या बोलेंगे, फिल्टर सीट वन का प्रोडक्ट, सीट वन का प्रोडक्ट इक्वल टू पी आर जी का प्रोडक्ट एंड कॉमा, मुझे एमआरपी का क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। ठीक है, अभी इस तरह से आया डेसिमल में, तो क्या कीजिए, यहां राउंड फॉर्मूला लगाइए और कॉमा 0 कीजिए, राउंड में आएगा। ठीक है, ऐसे मुझे यहां पे अमाउंट का टोटल चाहिए। ठीक है, अमाउंट है इसका टोटल चाहिए, तो क्या करेंगे, न्यू कॉलम में आएंगे, यहां पे लिखेंगे अमाउंट, अमाउंट, और यहां पे हम देते हैं सम, सॉरी सम, हाँ सम एक्स होगा, सम एक्स। सम एक्स और सम एक्स के अंदर हम देंगे फिल्टर का फॉर्मूला, फिल्टर के अंदर हम देंगे अपना सीट वन कॉमा, कि सीट वन का जो प्रोडक्ट है वो बराबर हो पी आर जी के प्रोडक्ट के, कॉमा, मुझे अमाउंट का टोटल चाहिए सीट वन का, एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये अंदर का जो फिल्टर वाला पार्ट है वो सब में सेम रहे। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए कि मिनिमम चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी, तो यहां पे लगाऊंगा मैं मीन एक्स का फॉर्मूला। मीन एक्स में वही आपका फिल्टर वाला जो सेक्शन है वो तो दूंगा ही दूंगा, और कॉमा करके किसका मीन चाहिए, मुझे क्वांटिटी का मीन चाहिए, तो यहाँ पे। ठीक है, तो मिनिमम क्वांटिटी आ जाएगी सबका, 10 सबका 10 ही ऐसे 10 आया। ऐसे ही मैक्सिमम, मुझे मैक्सिमम एमआरपी चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पे मैक्स ए, तो यहाँ पे हम मैक्स ए, मैक्स ए मैक्स एक्स, ठीक है, और सेम फॉर्मूला कॉम यहां देंगे एंड कॉमा, किसका मैक्स निकालना है, अमाउंट, सीट वन के अमाउंट का, तो मैक्स आ गया। ठीक है, तो आप फिल्टर की मदद से सम एक्स की तरह, सम फिल्टर को सम एक्स में डालेंगे तो सम आएगा, फिल्टर को इसमें एवरेज एक्स में डालेंगे तो एवरेज होगा, फिल्टर को अगर आप डालते हैं
इसमें मीन एक्स में तो मीन होगा, मैक्स में डालोगे तो मैक्स होगा। ऐसे काउंट करना है, यहाँ पे बिल इनवाइस काउंट करनी है हमारे। तो एक्सेल से काउंट इफ होता है ना, ऐसे यहाँ पे काउंट एक्स है। क्या है? काउंट एक्स। काउंट एक्स ठीक है। और फिल्टर हम सेम डालेंगे, और इसमें बोलते हैं मुझे आईडी का काउंट करना है। आईडी नहीं है तो आईडी, और सॉरी 1 मिनट, काउंट एक्स हो गया फिल्टर, और यहाँ पे आईडी C21 का आईडी ठीक है आ गया। सबका सेम ही है, लेकिन अलग चेंज है, जहां चेंज कर दिया तो काउंट एक्स आ गया। तो अभी आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा सम एक्स, आपने पढ़ा एवरेज एक्स, आपने पढ़ा मीन एक्स, आपने पढ़ा मैक्स एक्स, और आपने पढ़ा काउंट एक्स। इसे समझ में आ गया? क्लियर है कोई डाउट? ओके, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, समझे? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।